पूर्णिया में कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए जहां स्थानीय नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं सामाजिक संगठन भी जनसेवा में जुटी हुई है। पूर्णिया के श्रीराम सेवा संघ के कार्यकर्ता भी लगातार लॉकडाउन में फंसे लोगों की सेवा के लिए तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। श्रीराम सेवा संघ के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना खिला रहे हैं। लगातार सेवा भावना से जनसेवा में जुटे पुलिस कर्मियों को भी श्रीराम सेवा संघ के मानपूर्णा भंडार की ओर से भोजन पहुंचाया जा रहा है। श्रीराम सेवा की ओर से मानपूर्णा भंडार के माध्यम से किए जा रहे इन कार्यों की खूब सराहना हो रही है। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए श्रीराम सेवा संघ मानपूर्णा भंडार के माध्यम से जो भोजन तैयार करती है, उसके लिए जो भी सामग्री लाई जाती है, पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद उन सामग्री से भोजन तैयार कर जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। निश्चित तौर पर श्रीराम सेवा संघ का यह अनूठा प्रयास काफी सराहनीय है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। श्रीराम सेवा संघ परिवार की जो बनावट है, मध्यम वर्ग के युवकों को लेकर बनाई गई है समूह संगठन है। इसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कंडक्टर हैं, चाय विक्रेता हैं, पान की छोटी छोटी उनकी दुकान है। सीमित आमदनी में से ही वो अपने समाज सेवा के लिए राशि की कटौती करके और समाज के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। पुरुषों भी हम लोग करते आ रहे हैं, चाहे वो कांवड़िया पथ पर शिविर लगाने की बात हो, चाहे इस तरह के बार पिछले बार में रोटी बैंक के रूप में हो, चाहे आज ये जो बहुत बड़ी कोरोना कहर है उसमें भूख कहर के रूप में लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए ये कार्य करता होगा। वो समय ये कब से ये चल रहा है और कब तक चलेगा? जी बिल्कुल, 26 तारीख को हम लोगों ने सामान एकत्रीकरण कर लिया था और 27 तारीख से अनवरत हम लोग इसको चला रहे हैं और 14 अप्रैल तक हम लोग अभी चलाएंगे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, लॉकडाउन की अवधि के अनुसार हम लोग आगे निर्णय लेंगे। सभी भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सभी समाज के जो शुभचिंतक है वो भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो 14 अप्रैल तक तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। आगे अगर लॉकडाउन बढ़ती है तो और भी हम लोग अच्छे तरीकों से इसको निभाएंगे। भगवान ना करे कि ऐसी अवधि बढ़े, क्योंकि बहुत लोगों की प्रतिष्ठान बंद है, बहुत लोगों के सामने समस्या है। और सबसे बड़ी बात, कोसी आलोक के सामने मैं बता दूं कि जो मानपूर्णा भंडार है, रसोई है, ये एक प्रयास कर रहा है खुद भी स्वस्थ रखने का और समाज को भी स्वस्थ रखने का। हम लोग जितने खाद्य पदार्थ को लाते हैं सैनिटाइज, आप खुद देखेंगे हम लोग भी मास्क पहन के ही चीज़ों कर रहे हैं। मैं भी अभी नोज मास्क पहना हूँ, हैंड मास्क पहना हूँ, और जो हमारा भंडार गिरी है वहाँ भी सैनिटाइज करके ही सारे सामान को उतारा जाता है। यहाँ तक कि जो भी कारीगर निर्माण करते हैं उनको अपने ही देख रेख में हम लोग रखते हैं और खुद भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और समाज को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं। यही हम लोग का पूरा प्रयास होता है। अभी जो भारत में जो वस्तु स्थिति बनी हुई है, जो हालत है अभी के, ठीक है, और 21 दिन से बंद है, जो दिनचर्या लोगों का रहता है वो अभी नहीं है सारे। जब मोदी जी ने 24 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब हम लोगों को लगा कि नहीं, इस देश में, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रतिदिन काम करते हैं और नित्य प्रतिदिन खाते हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वैसे लोगों के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोगों ने श्रीराम सेवा संघ परिवार जो है, एक हमारे पूर्णिया का जो संघ संगठन है, उन्होंने एक कोशिश की और माँ अन्नपूर्णा रसोई के नाम से एक रसोई का निर्माण किया जिसमें नित्य प्रतिदिन 2000 लोगों के लिए आसपास खाना बनता है। और हम लोग नित्य प्रतिदिन एवरीडे कोशिश करते हैं कि लोग 1 बजे के आसपास निकलते हैं और 2:30 बजे तक कम्प्लीट करते हैं। इसमें जैसे कि हमारे होमगार्ड जवान जो 7 बजे सुबह में आते हैं और 7 बजे रात में ड्यूटी पर जाते हैं, कोई भी होटल खुली नहीं हुई है, कोई भी कुछ खुला नहीं है, उनको भी खाने की बहुत दिक्कत है। तो एवरीडे हमारा काम है मरंगा से लेकर अरनसा गुलाबाग 0 माइल तक, हम उन सभी होमगार्ड के जवानों को भोजन उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ जितने रिक्शा चालक हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उनको देते हैं और जो ज़रूरतमंद बच्चे लोग दिखते हैं उनको देते हैं। देखिए, एक्चुअली बैनर पोस्टर की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं नहीं, और एक समाज के लिए एक छोटी सी पहल है, मन द्रवित हो उठता है। अगर कोई भूखा रहता है तो मन द्रवित हो उठता है, तो एक छोटी सी पहल है जिससे कि कोई भूखा ना रहे और भूखा ना मरे। और इसके अलावा हम लोग की और कोई चाहत नहीं है, और निश्चित रूप से आज हम लोग अपने जीवन को एक दाव पे लगा करके सड़कों पे निकल रहे हैं, तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस समाज के जो वांछित भूखे लोग हैं अभी इस पीड़ित अवधि में, जिनको अभी खाने का दिक्कत है या बाकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि उनको भूखा ना रहें, खाना मिले। सब लोगों के सहयोग से एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, घूम घूम कर देख रहे हैं, जो भी वंचित भूखे लोग हैं उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं उनको, इस समय में कैसे सावधानी से रहें, कैसे अपना हाथों हाथ साफ रखें, बाकी चीज़ों पर कैसे ध्यान रखें, इन चीज़ों को समझा भी रहे हैं और सेवा भाव से उनका पेट भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। कोसी आलोक के लिए किशोर कुमार के साथ अमरदीप की रिपोर्ट। भारती लोटस इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप LKG UKG एंड स्टैंडर्ड 1 हरियाप सीट्स आर लिमिटेड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, आर्ट्स म्यूजिक एंड डांस क्लासेस।
kids arrival alerts, lunch facility. Our address, Ramnagar Ofrel Road, bypass, Purnia.